हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B24 नॉलेज। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से अपने आधार कार्ड में अपने नाम को कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और टाइप कर देंगे UIDAI। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप आधार के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करने के लिए माई आधार वाले ऑप्शन पे कर्सर ले जाएंगे। वहाँ पे फिर लिखा हुआ देखिए, अपडेट डेमोग्राफी डाटा चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना इंटर कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। फिर आपको सेंड OTP क्लिक कर देना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे OTP जाएगा। आपको इंटर OTP अपना डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज देख सकते हैं। यहाँ पे अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को PVC कार्ड में ऑर्डर करा सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट सर्विस पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए, अपडेट आधार ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके सारा रीड कर लेना है। आपको अपडेट आधार पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अटेम्प्ट देखने को मिलेगा, कितना अटेम्प्ट आपका रह गया है नाम चेंज करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए और जेंडर चेंज करने के लिए। नाम चेंज करने के लिए 1 अटेम्प्ट रह गया है और डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए 0, यानी कि 2 बार आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं और जेंडर को 1 बार चेंज कर सकते हैं। और अपने एड्रेस को चाहे तो कितना भी बार आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। मैं नाम चेंज करने के लिए नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ओल्ड नेम देखने को मिल जाएगा ऊपर, और अपना नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे न्यू नेम पे क्लिक करके अपने नाम को टाइप कर लेंगे। यहाँ पे चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपका हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका नाम टाइप होके आ जाएगा। यदि आपका नाम हिंदी में सही से टाइप नहीं होता है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। वहाँ से अपना नाम टाइप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके पास यदि हाई स्कूल की मार्कशीट है तब आप अपने आधार कार्ड में अपने नाम को करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं हाई स्कूल की मार्कशीट को चूज कर लेता हूँ। अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। ये आपको कई तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट करने के लिए। आप किसी भी मेथड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपका एक स्लिप जनरेट हो जाएगा। उस स्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है। स्लिप को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। इसको सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। ओपन करके आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में 4 से 5 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में करेक्शन कर दिया जाएगा। और अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। वहां से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।